Hi students, this is KD sir from Shivam Education. Right? I hope you all are safe at home. Board exams काफ़ी नज़दीक आ गए हैं, देखते ही देखते अब कुछ ही महीने रह गए हैं. अब आप लोगों ने कितनी तैयारी की है और कुछ लोगों की तैयारी बिल्कुल नहीं की होगी, राइट? ऐसे भी हो सकता है. तो मैं आज आपके लिए कुछ ऐसे स्टडी प्लान्स लेके आया हूँ जो जिनकी तैयारी अच्छी है वो टॉपर बन सकते हैं, और जिनकी तैयारी नहीं की है तो भी अगर आप इस स्टडी प्लान को फॉलो करोगे तो आपके ड्रीम मार्क्स आप अचीव कर सकते हो. तो 10वीं और 12वीं कॉमर्स के लिए मैं ये स्टडी प्लान लाया हूँ. तो आई होप यू विल वॉच दिस वीडियो टिल लास्ट एंड फॉलो दिस स्टडी प्लान टू अचीव योर ड्रीम प्लान. क्या आप लोग तैयार हो? लेट्स डू इट. सबसे पहला स्टेप ये रहेगा कि टेक अ बिग पेपर, ड्राइंग पेपर जैसा बड़ा पेपर ले लो, या तो कार्डबोर्ड पेपर आता है वो ले लो, और उसमें आप लिखिए कि आई विल स्कोर डैश परसेंटेज इन द बोर्ड एग्जाम्स May 2021. वापस बोलता हूँ, आई विल स्कोर डैश परसेंटेज, आपका जो परसेंटेज ड्रीम परसेंटेज है वो लिखो, राइट? ड्रीम परसेंटेज वो रखो जो इम्पॉसिबल लग रहा हो, राइट? फिर मत बोलना कि मुझे खाली 60% चाहिए. 60% आप घर पे ऐसे ही पढ़ते पढ़ते भी हल के लिए कह सकते हैं. ड्रीम परसेंटेज वो होना चाहिए जो आज के दिन में आपको इम्पॉसिबल लगे. तो राइट डाउन दैट ड्रीम परसेंटेज, राइट? एंड राइट डाउन दैट May 2021, और उसको ऐसी जगह पे चिपका दो जहाँ आपको रोज दिखने मिले, राइट? और फिर उसके बाद हम उसको अचीव करने का प्लानिंग बताते हैं, राइट? चलो लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट्स, ये आपका आखिरी चांस है अपने आप को प्रूव करने का, राइट? आपने 10th में स्कोर किया नहीं किया पता नहीं, लेकिन 12th में आपका ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने आप को प्रूव करने का और आपके जो ड्रीम मार्क्स है वो अचीव करने का, राइट? तो मैं आपको यहाँ हेल्प करने आया हूँ. आपको कुछ ऐसा प्लान लेके आया हूँ, स्टडी प्लान, जो अगर आपने फॉलो किया आप अपने ड्रीम परसेंटेज अचीव कर सकते हैं. और आपका अगर सपना है टॉपर बनने का, मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि यू कैन बिकम द टॉपर इफ़ यू फॉलो दिस स्टडी प्लान. ओके, लेट्स स्टार्ट. हमारा दिन शुरू होगा डे प्लानर से. हमेशा आपको प्लानिंग करना जरूरी है. एवरी डे यू हैव टू स्टार्ट योर डे विद अ प्लान, राइट? किस तरह, देखिए, आप एक बुक ले लीजिए, उस बुक में आपको लिखना है डेट, फिर सब्जेक्ट, आप क्या सब्जेक्ट करने वाले हैं, फिर उसके बाद डिटेल, आपने क्या पढ़ाई करने वाले हैं, और फिर उसके बाद आएगा रिमार्क्स, राइट? दिस कॉलम, फोर कॉलम आपको बनाना है. और फिर इसके बाद सपोज आज 27/12/20 है, तो आज आप क्या क्या करने वाले हैं, राइट? अकाउंट्स में क्या करने वाले हैं, चैप्टर टू में क्या करने वाले वो लिखिए, स्टैट्स, राइट? चैप्टर थ्री उसमें क्या करने वाले हैं वो लिखिए, फिर उसके बाद बीए या तो इको, आपको जो करना है वो, उसमें कौन सा चैप्टर फिनिश करने वाले हैं, उसमें क्या पढ़ने वाले हो, पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हो कि आप कुछ टॉपिक्स करने वाले हो, लिख दो, राइट? और फिर आप इंग्लिश ग्रामर वॉट एवर सब्जेक्ट सब कुछ लिखो, जो जो सुबह आप प्लान कर सकते हो वो हमको फॉलो करना है. इस तरह आपको प्लानिंग करना है, राइट? और फिर ये जो आपका प्लानर है, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसका क्या यूज होने वाला है. नाउ द मेन सब्जेक्ट्स, टू प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स यू हैव, दैट इज अकाउंट्स एंड स्टैट्स, राइट? आई नो योर होम कंडीशन, आपका जो सिचुएशन है, बरोबर, क्लास, स्कूल का आपका ऑनलाइन क्लासेस, ट्यूशन क्लासेस का टाइम, घर के मेंबर्स, भाई बहनों का मस्ती, ये सब चीज़ मैं जानता हूँ. तो उस मुताबिक, उस सिचुएशन के मुताबिक आपका ये स्टडी प्लान भी है, सो दैट आप अपने ड्रीम मार्क्स अचीव कर सको. ये जो है अकाउंट्स और स्टैट्स, ये दोनों सब्जेक्ट आपको कंपलसरी डेली करना है. वापस रिपीट करता हूँ, अकाउंट्स एंड स्टैट. आज मैंने अकाउंट्स किया, स्टैट नहीं किया, मतलब आपने प्लान ब्रेक कर दिया है.
you have to do both the subjects compulsory. Either you give 2-2 hours or 1-1 hour, but dono karna hai compulsory, right? To accounts or stats, ye dono aise subject hain ki aap apne drawing room mein baith ke kar sakte hain, apne bhai behno ke beech mein baith ke kar sakte hain, aap घर पे टीवी चालू है आप उसके सामने बैठ के कर सकते हैं, लेकिन यू कैन डू इट राइट। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप जब भी स्टैट्स करो बराबर डू ईच एंड एवरी सम 3 times राइट। 2-3 time करने से आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो जाएगा, आपका कंसेप्ट क्लियरिंग अच्छा हो जाएगा। तो दिस इज द थिंग, तो डू अकाउंट्स एंड स्टैट्स। अब बात करते हैं सब्जेक्ट्स की, देर आर 2 important सब्जेक्ट्स। तो सपोज आज आपने BA लिया राइट, तो BA का आपने जो चैप्टर प्लानिंग में लिखा था उस मुताबिक उसका पढ़ाई करो, और BA के साथ आप या तो आप इंग्लिश ले लो या तो गुजराती राइट। अब ये कैसे होता है मैं बताता हूँ। BA थियोरिटिकल सब्जेक्ट है राइट, 40-45 मिनट्स आपका माइंड आपको साथ देगा, आपका जो हार्डवर्क है वो रहेगा, लेकिन फिर थोड़ा रिफ्रेश होना ज़रूरी है। तो BA जब आप थोड़ा सा रिफ्रेश आना होना चाहते हैं तो इंग्लिश ग्रामर लेके बैठिए। ग्रामर में देखिए ट्रांसफॉर्मेशन, ईमेल, नोटिस, वॉट एवर, डायरी राइटिंग, ऐसे लेके बैठिए जो आपको रिफ्रेश भी करते जाए और आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए, एट द सेम टाइम यू आर कंप्लीटिंग योर सिलेबस राइट। तो ये इस तरह आपको लेना है। दूसरे दिन जब आपका BA का एक चैप्टर फिनिश हो जाए डू इको, इको के साथ फिर से अगर कल इंग्लिश किया तो आज गुजराती करो राइट। और इस तरह आपके सारे सब्जेक्ट्स अटेंड हो जाएंगे और आपका जो सिलेबस है हमारे प्लान के मुताबिक कंप्लीट हो जाएंगे। और इसके अलावा बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर सब्जेक्ट को इग्नोर करते हैं। आई विल रिक्वेस्ट यू प्लीज़ डू स्टार्ट कंप्यूटर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड राइट। अभी से आप कंप्यूटर सब्जेक्ट को भी साथ में लेके आइए। तो अगर आप कुछ नहीं तो वीकली 3 दिन भी देंगे तो भी चलेगा। जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि आज इंग्लिश ग्रामर कर दिया है तो उसकी जगह पे आप कंप्यूटर कर सकते हैं राइट। तो जैसा आपका मूड है, देखिए मैं आपको बताऊं, अगर आपको अच्छा मूड है यू टेक इंग्लिश प्रोस ले लीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं अभी मुझे थोड़ा सा खाली देखना है, कंप्यूटर पढ़िए, इंग्लिश ग्रामर देखिए, इट्स अप टू यू ओके। तो इस तरह आपके सारे सब्जेक्ट साथ में होते जाएंगे डन। अब हम बात करेंगे स्टडी आवर्स का, दिस इज द थिंग। जैसा मैंने आपको कहा, दिस इज योर लास्ट अपॉर्चुनिटी टू प्रूव योरसेल्फ। व्हेन यू वांट टू प्रूव योरसेल्फ और व्हेन यू वांट टू अचीव समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो आपका एफर्ट भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना चाहिए, और उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी के हिसाब से आपको अपने स्टडी आवर्स को डबल करना पड़ेगा राइट। आप कितना टाइम दे सकते थे और दे सकते हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट। तो अभी आप क्या पढ़ रहे हो मुझे नहीं पता, आपने कितना किया वो नहीं पता, लेकिन अब से आप किस तरह पढ़ाई करोगे वो मैं बताता हूँ राइट। जैसे मैंने बताया अकाउंट स्टेट आपने दिन में पढ़ाई किया राइट, और फिर उसके बाद आपके पास बहुत ही एक प्रेशियस टाइम है, तो वो है आइदर नाइट और मॉर्निंग, आप दोनों में से एक सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे नाइट में कंफर्टेबल पढ़ाई करते हैं और बहुत सारे सुबह उठते हैं। तो इफ़ यू आर स्टडिंग एट नाइट देन आई विल रिक्वेस्ट यू यू स्टडी टिल 2 AM राइट। योर टारगेट शुड बी एटलीस्ट टिल 2 AM राइट। फिर उसके बाद आप मिनिमम 5 hours के लिए सो सकते हैं, और फिर उसके बाद अगर आप मॉर्निंग में उठ के पढ़ते हैं और आप जल्दी रात को सो जाते हैं तो आई विल रिक्वेस्ट यू यू नीड टू वेक अप एट 3 AM और ये दो जो टाइम हैं ये टाइम है आपके सब्जेक्ट्स का, BA इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स एंड स्टैट्स के थियरी, ये सब आप कवर कर सकते हैं ये स्टडी टाइम में। ये टाइम में ना आपको कोई डिस्टर्बेंस होगा राइट, ना कोई टीवी सीरियल चलता होगा, दिस इज़ योर टाइम, दैट्स द मोस्ट प्रेशियस टाइम ओके। तो ये टाइम को आप कभी खोना नहीं। स्टूडेंट्स हमारा ये जो स्टडी प्लान है ये 100 days का है राइट। ये 100 days कैसा होगा ये बता देता हूँ मैं आपको। हमारा जो टारगेट होगा वो होगा यहाँ से, आप जिस दिन से शुरू करते हैं कल परसों कभी से भी 60 days में हमको सिलेबस कंप्लीट करना है, याद रखना आप ओके। फिर उसके बाद
अनदर 15 डेज हम लोग उसका रिवीजन करेंगे, राइट। 15 डेज रिवीजन होगा और उसके बाद के 25 डेज जो होगा वो हम सिर्फ पेपर प्रैक्टिस करेंगे, राइट। बोर्ड पेपर्स, बोर्ड और प्रैक्टिस पेपर्स ये करेंगे और इस तरह यू विल बी परफेक्ट विथ योर कोर्स, राइट। और आपका जो ड्रीम मार्क्स हैं वो आराम से स्कोर हो जाएगा। और अब हमारा आज का दिन आपने ख़त्म किया, आपने पूरा दिन क्या पढ़ाई किया है वो इवेल्यूएट करना ज़रूरी है। जैसे हमने बीए में पढ़ा है ना, इवोल्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो इवोल्यूशन आप किस तरह करेंगे। नाउ यू ऑल आर ग्रोन अप्स, राइट। तो आप अपना सेल्फ एनालिसिस कीजिए, अपना सेल्फ इवोल्यूशन कीजिए। किस तरह देखिए सेल्फ इवोल्यूशन, राइट। आपने डे प्लानिंग किया था, राइट। आपने लिखा था कि आज अकाउंट्स में मैं ये करूँगा, फिर उसके बाद स्टैट्स का ये चैप्टर लिखा था, फिर उसके बाद बीए लिखा होगा, फिर सपोज इंग्लिश लिखा अपने ग्रामर का। आपने अगर वो अचीव कर दिया, पूरा दिन में कंप्लीट किया, डू इट राइट। ओनली 5 मिनट्स का है ये, आपको खाली 5 मिनट देना है सोने से पहले। ये स्टैट्स कर दिया है, डन। बीए भी मेरा हो गया आज अच्छी तरह, राइट। और इंग्लिश में मैंने ग्रामर किया, डन, राइट। तो दिस इज योर डे सक्सेस और ये दिस इज योर एस। एस का मतलब है सक्सेस, राइट। तो ये आपका फर्स्ट डे का सक्सेस है। इस तरह जो आपने नोटबुक बनाया आपके साथ एस आते रहना चाहिए। ये क्या है मैं बताता हूँ, दिस इज़ अ साइकोलॉजिकल गेम, राइट। आप जितना एस लिखोगे उतना आपका हैबिट होते जाएगा सक्सेस बनने का, सक्सेसफुल बनने का। और सक्सेस एक चेपी रोग है, आप वंस यू आर हैबिचुएटेड आपका डिटर्मिनेशन पावर बढ़ते जाएगा एंड आई गारंटी यू दैट यू कैन अचीव योर ड्रीम मार्क्स लाइक एनीथिंग, राइट। तो बस ये फॉलो कीजिए। सो स्टूडेंट्स कैसा लगा, आई होप यू विल फॉलो माई दिस स्टडी प्लान। और आई गारंटी यू अगर आप ये स्टडी प्लान फॉलो करते हैं आपके जो ड्रीम मार्क्स है, आपकी जो ड्रीम परसेंटेज हैं वो 110% अचीव होंगे, राइट। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस स्टडी प्लान। और मैं चाहूँगा अगर आपको ये स्टडी प्लान अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। शेयर इतनी बार करो सो दैट आपके जैसे बहुत कई बच्चे हैं जिनको ये स्टडी प्लान यूज़फुल हो सकता है और वो भी अपने ड्रीम मार्क्स अचीव कर सके, राइट। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो और बेस्ट ऑफ लक फॉर कमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। बाय, हैव अ नाइस डे।